का प्लास्टर लग गया, अभी सुबह गिर गई थी। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं, तो किट्टू अभी भी सो रही है। सुबह उठ गई थी लेकिन दोबारा सो गई। वेद गया है फुटबॉल खेलने के लिए, किट्टू के पापा गए सब्जी लाने के लिए। तो वेद आएगा तभी मैं नाश्ता बनाऊंगी और साबुदाना बनाऊंगी। आज बच्चों के लिए साबुदाने हैं, क्योंकि हम लोग तो सुबह 8 बजे मॉर्निंग में शेक पी चुकी। हम लोग अपना ब्रेकफास्ट शेक ही होता है, हम लोग वही पीते हैं। और उसके 3 घंटे बाद कुछ भी नहीं खाते, 3 घंटे के बाद ही कुछ शॉर्ट मील में चने या फ्रूट या कुछ भी सिंपल हम लोग ऐसा खाते हैं। तो जब वेद आएगा तभी बनाएंगे नाश्ता। तो अभी झाड़ू में लगा दी हूँ, अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। नींद में सो रही है, वो उठ गई है। अब किट्टू को नाश्ता दे देती हूँ। किट्टू का नाश्ता में क्या है? खीर, साबुदाने खीर जो रात में बनवाई थी मेरे से, वो खाएगी। मैंने बरस भी कर लिया, मैं सोची बिना बरस करके खा रही हूँ। आज संडे है तो आज तो खेलना है पूरा, है ना? सैटरडे को तो खेलने बाहर, कल मंडे है स्कूल का नाम है। मम्मा पापा को फूल लेके आने के लिए लेगा। क्यों? अम्मा का बर्थडे है। ओके बोल दो, चलो नाश्ता देती हूँ। साबुदाने खीर जो रात में बनवाई थी, अभी के लिए साबुदाने की फ्राई। किट्टू लेकिन अभी ठंडे हैं तो थोड़े से रख के खाना, ठीक है? यहाँ पर रख देती हूँ मैं। अभी खेल के आ चुका है तो उसे भी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। घंटे के बाद सब्जी लेकर आ गए हैं। साइकिल बना रहे थे, इतने घंटे लगे थे। खाना मैं कब बनाऊंगी? आके अभी 11:30 हो गए। आप नाश्ता कब करोगे? सब्जी नहीं थी ना, सब्जी लेती हूँ नाश्ता। किट्टू की फ्रेंड आ गई, मैं डरा भी दी हूँ, डरी भी नहीं। रेडी है तो लंच सभी को दे देती हूँ। और आज लंच में थोड़ा लेट हो गए क्योंकि संडे थी तो साफ सफाई करने में लेट हो गई। तो आज का लंच देख सकते हैं क्या है। बैंगन आलू की सब्जी तो किट्टू को पापा को दे देती हूँ। क्यों 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 ऐसा क्यों? क्यों पापा नहीं देखेंगे क्या? आज तुम ही देखोगे। शाम के बज रहे हैं 7:30 और मैं घर पे आ गई हूँ और बच्चे लोगों को दूध दे देती हूँ। कुछ खास मार्केट में नहीं मिला क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो कुछ ज्यादा नहीं ली हूँ। क्या बच्चे लोगों को दूध दे देती हूँ, फिर डिनर बनाऊंगी। आम जी लो, मेरा फेवरेट। दिन भर खेला है, पूरे 1 हफ्ते का वसूल लिया आज खेल के, सुबह से लेके शाम तक। ये लटका दी हो, बजाते जा रही, बजाते जा रही हो। चलो चलो को विंडो के पीछे, अभी तक बैठे नहीं है नीचे। अब ये के पास टी शर्ट ही नहीं हो रहता है। जा रही, क्यों ऐसे कर रही हूँ किट्टू? चलो रात के 8:30 हो गए हैं और डिनर भी कंप्लीट है। और इधर अपने कॉलोनी में लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से थोड़ी लेट हो गई, तो डिनर दे देती हूँ सभी को। मैं यही भीड़ करती हूँ। और कल से नवरात्र स्टार्ट है तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी 7:25 हो गए हैं और अभी मैं किट्टू को स्कूल पहुंचाने जा रहे हैं। और आज तो नवरात्रि है, इसलिए फिर से सभी लोगों को, आप लोगों को हैप्पी नवरात्रि। तो अभी जाती हूँ, उसे छोड़ के आती हूँ। इधर 8:30 और घर पे आ गई हूँ, और क्योंकि सब्जी लेने लगी थी और किट्टू पापा भी मिल गए थे तो सब्जी लेने लगी। और फूल भी ले आई हूँ तोड़ के, ताकि पूजा कर सकूं मैं आज। अभी बज गए हैं 10 और मैं नहा चुकी हूँ, किट्टू के पापा भी नहा चुके हैं, तो अभी पूजा की तैयारी हो चुकी है। तब दुर्गा माता की पूजा करूंगी और फिर अपने सोसाइटी में भी दुर्गा माता आई है तो वहां पर भी जाऊंगी।
गणपति पापा का पूजा होता है ना, तो गणपति का पूजा करेंगे। आज तो सुबह सुबह किट्टू को पहुंचाने जा रही थी स्कूल, तभी पाँव मुड़ गया मेरा। उस वक्त फिर मार्केट गई, सब्जी लाई, सब की उधर घूमी भी आई, लेकिन दर्द नहीं हुआ। पूजा की घर में, फिर मंडप पे जाके पूजा की। जब घर पे आई ना, तब धीरे धीरे दर्द स्टार्ट हो गया पाँव का, और थोड़ा सा सूजन भी आ गया है। पूरा नस दिख रहा, दिखा। लेकिन फिर भी मैं रोटी बनाई उनका हेल्प की, खाना बनाने में। खाना तो वही बनाया है, पनीर बनाए वही, लेकिन रोटी बेलने में मैं हेल्प की उनको। तो अभी जाते हुए खा पी के डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी आज का लंच में पनीर और आज पराठा बनाया हूँ, क्योंकि वो उनको पराठा अच्छा लगता बनाना। का प्लास्टर लग गया, अभी सुबह गिर गई थी, बच्चे को पहुँचा लूँगी। उसके बाद मोच आया, अभी प्लास्टर जो पड़ गया है। मैं यही पेंट करती हूँ, और आज तो लंच के बाद का वीडियो तो सूट ही में नहीं कर पाई, क्योंकि आज तो किट्टू को स्कूल छोड़ते वक्त मेरे पाँव में इतने जोरों से मोच आई ना, कि थोड़ी क्रेक हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी मुझे। तो फिर मैं डॉक्टर पास गए, तो बोले कि थोड़े से वो मोच आ गए हैं, तो उसके बाद वो प्लास्टर करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होगा। तो प्लास्टर मैं करवा के 5 बजे घर आई हूँ, और उसके बाद थोड़ा लेटे रही, क्योंकि डॉक्टर बोले कि चलना नहीं है। लेकिन ऐसा भी तो नहीं हो सकता, कैसे मैं नहीं चलूँ, काम भी तो बहुत घर में रहते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा आराम करी, फिर मैं उठी। उसके बाद तो आज का मैं खाना तो नहीं बनाई हूँ, किट्टू पापा ही बनाया, पुलाव, भेज पुलाव बना के खिलाए। उसका भी मैं सूट नहीं कर पाई, क्योंकि पेन हो रहे थे मुझे, और तो वैसे ही तो होता है कि कोई भरोसा नहीं होता इंसान का, क्योंकि सुबह तक भी बहुत अच्छी थी, और आज नवरात्रि का फर्स्ट पूजा थी, तो हम लोग सारे फ्रेंड लोग मिल के बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किए थे कि वहाँ पर डांस करना हम लोगों को, और दांडिया वगैरह अच्छे से करना है। ये हो तो नहीं पाया, लेकिन ये हो गया मेरे पाँव का। क्या क्या उसमें बना दिए हैं, फ्लावर वगैरह बना दिए हैं। यहाँ पे आई थी चोट, यहाँ पे आज भी दांडिया के लिए नहीं गई, तो किट्टू भी नहीं गई। वो बोले लेकिन मम्मा आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी, वहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, आपकी याद आएगी, सबकी मम्मा करेगी। भी बोलिए कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो नहीं गई आज वो। तो कल मैं भेजूंगी उसके पापा के साथ, और फ्रेंड लोग भी कॉल की थी, तो बोली नहीं नहीं लड़की को भेजिए, वो करेगी यहाँ पे आके, तो मैं भेजूंगी कल उसे। और ये सब तो होते जाते रहता है, नॉर्मल है। क्या शायद उससे ज़्यादा शायद कुछ होता अगर तो कम ही हुआ, तो मैं तो सोचती हूँ शायद उससे ज़्यादा भी कुछ हो सकता था। तो मैं तो पॉजिटिव वे में चल रही हूँ कि जो भी हुआ ठीक है, ठीक हो जाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यही मीट करती हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।